नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत ने बेंगलुरु में खेले गए पिंक बॉल टेस्ट मैच में सोमवार को श्रीलंका को 238 रनों से मात देकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने तीसरे दिन ही मैच खत्म करके ये जीत हासिल की। लेकिन इस जीत के बाद सबसे खास बात ये रही कि जब अवार्ड सेशन हुआ तब कप्तान रोहित शर्मा ने ट्रॉफी ली और एक ऐसे खिलाड़ी को सौंप दी जिसका अभी तक डेब्यू भी नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा ट्रॉफी लेने के बाद जब ग्रुप फोटो के लिए टीम के पास पहुंचे तो उन्होंने प्रियंक पांचाल को ट्रॉफी थमाई। फोटो सेशन में प्रियंक पांचाल ही ट्रॉफी थामे फोटो के सेंटर में खड़े दिखाई दिए और बाकी खिलाड़ी उनके इर्द गिर्द दिखे। प्रियंक पांचाल के अलावा यूपी के सौरभ कुमार भी साथ में मौजूद दिखाई दिए, जिन्हें टेस्ट टीम में जगह मिली थी। हालांकि प्लेइंग 11 में खेलने का मौका उन्हें नहीं मिल पाया। महेंद्र सिंह धोनी के दौर से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, जब कप्तान सीरीज जीत के बाद कोई भी ट्रॉफी या फिर कप टीम के सबसे जूनियर और नए खिलाड़ी को सौंप देता है। विराट कोहली ने भी अपने दौर में ऐसा ही किया और अब रोहित शर्मा भी उसी परंपरा का पालन करते नजर आ रहे हैं। प्रियांक पांचाल को टेस्ट सीरीज के लिए चुना गया था लेकिन उन्हें मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया। इससे पहले वो टीम इंडिया के साथ साउथ अफ्रीका भी गए थे। 31 साल के प्रियांक पांचाल का अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं हुआ है लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनके नाम बहुत से रन हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में प्रियांक पांचाल ने 101 मैचेस खेले हैं। इनमें उन्होंने 45 से ज्यादा की औसत से 7068 रन बनाए। प्रियांक पांचाल के नाम घरेलू क्रिकेट में 24 शतक हैं जबकि 26 अर्धशतक भी वो लगा चुके हैं। अब यहां आपको ये भी बता दें कि भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट की सीरीज में क्लीन स्वीप किया था। मोहाली में भारत ने एक पारी से जीत दर्ज की थी और अब श्रीलंका को 238 के बड़े स्कोर से हराया है। इससे पहले T20 सीरीज में भी भारत ने क्लीन स्वीप किया था। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।